बता दिया गया था थ्रेड क्या है, थ्रेड जेड से इंडिपेंडेंट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोसेस इन ए जावा एप्लीकेशन. थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय रनेबल इंटरफेस व्हिच प्रोवाइड्स अ मेथड नेम रन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ मेथड और दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज ए थ्रेड. दोनों तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू मैनेज थ्रेड्स थ्रेड क्लास इज प्रोवाइडेड बाय सन माइक्रोसिस्टम. यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर थ्रेड थ्रू थ्रेड क्लास. अब बात करते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं पहले, फिर बात करेंगे आगे. चेंजेस मैंने किए हैं. फर्स्ट चेंज इज दिस टाइम यूजर थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस. हाउ मेनी मेथड्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंटरफेस? वन, रन. इफ ए क्लास इंप्लीमेंट्स सम इंटरफेस देन द क्लास नीड टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ द मेथड डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस. दिस इंटरफेस प्रोवाइड वन मेथड, वी हैव इंप्लीमेंटेड दैट पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यूजर थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया एंड आई हैव ट्राइड टू स्टार्ट द रन मेथड एज अ थ्रेड बाय इनवोकिंग स्टार्ट मेथड. आपको ये बताना है दिस कोड विल कंपाइल और नॉट. ध्यान से सोचिए और एक बार फिर मुझे बताइए. यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, रन मेथड डिफाइन कर दिया, यहाँ से यूजर थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन स्टार्ट मेथड इज इनवोक. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पहले लास्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ.
this is the difference between previous and current implementation. In previous implementation, we defined a class by the name user thread, that class extended thread, and thread class in turn implements runnable interface. That is, in this case, our class had the features of thread class, our class was runnable. Means this object was a runnable object and it was a thread object. Runnable tha, isliye hum ise run method tha iske paas. Ye thread object tha, isliye iske paas start method bhi tha. Hum iska use karke thread ko manage bhi kar sakte the. This time, this class implements a runnable interface. There is no direct relation between thread and user thread. This time, our object is of type runnable. It doesn't have features of thread. In order to start run method as a thread, we need to allocate resources. And resources are allocated by start method. And that method is defined in thread class. So, agar main yahan par likhta hu ps.start, this particular statement would result in compilation error. Compiler will say the start method is not found in user thread class. देखते हैं एक बार इतना कैन नॉट फाइंड सिंबल मैथड स्टार्ट क्लास यूजर थ्रेड. कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ रही है? मैंने आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ ए थ्रेड. First state was new instance. We need a thread object. Second state was runnable. In order to bring a thread from new instance to runnable state, we need start method. The start method is defined in thread class. It means we need a thread object in order to invoke the start method. In this implementation, this object was also the object of thread type. Iske paas start method tha. यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? What we can do is this. We can create an object of type thread. We can invoke start method on it. Yes, no. Thread के बाद start method है. करके देखते हैं एक बार. Step by step पढ़ते हैं. ये चीज मैंने comment बना दी. Instead of invoking start method on user thread object, I have created a thread object and I have invoked the start method on it. This time compiler shall be satisfied. Compiler ko jo chahiye tha wo mil gaya hai. Dekhte hain output kya aati hai. रन मेथड में मैंने लिखा हुआ था यूजर थ्रेड स्टार्टेड, वहां पर लिखा हुआ था यूजर थ्रेड कंप्लीटेड. एक्सक्यूट हुआ नहीं? क्यों? रेफरेंस नहीं. यहां पर अगर आप देखें इन दिस केस, पहले इसकी बात करते हैं. इन दिस केस यहां पर एक रन मेथड डिफाइन किया गया है. वन रन मेथड इज डिफाइंड हियर. ठीक है, वी इनवोक स्टार्ट मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मेथड कॉल करते हैं, कहां ढूंढा जाता है वो? जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है. मींस दैट से स्टार्ट मेथड इज इनवोक ऑन दिस ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर थ्रेड वाज सर्च्ड, देयर वाज नो स्टार्ट मेथड. इफ मेथड इज नॉट फाउंड इन द क्लास, देन पेरेंट क्लास इज सर्च्ड. यहां मिल जाएगा. इसका स्टार्ट मेथड जब कॉल हुआ तो इसके स्टार्ट से इसका स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ. फ्रॉम द स्टार्ट मेथड रिसोर्सेज वर एलोकेटेड एंड आफ्टर रिसोर्सेज वर एलोकेटेड रन मेथड इज इनवोक्ड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. अगर रन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल हुआ है तो कहां ढूंढा जाएगा? पहले इसकी अपनी क्लास है, यहां हमने ओवरराइड करके रखा हुआ था. रन ऑफ दिस क्लास वाज एग्जीक्यूटेड, रिलेटेड थी यहां पर. ठीक है, अब यहां देखते हैं. आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल किया,
किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? स्टार्ट मेथड ऑफ थर्ड क्लास वाज एग्जीक्यूटेड. थर्ड क्लास डिफाइन से रन मेथड. अगर वो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो उसके बाद रन मेथड होगा. यस नो? समझ में आ रही है इतनी बात सबको? व्हेन स्टार्ट मेथड वाज इनवोक ऑन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट ऑफ थर्ड क्लास वाज एग्जीक्यूटेड. स्टार्ट मेथड ऑफ थर्ड क्लास एलोकेटेड रिसोर्सेज फॉर ए न्यू थ्रेड. आफ्टर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट मेथड इनवोक रन मेथड ऑन दिस ऑब्जेक्ट. जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रन मेथड कॉल होगा तो कहां उठा जाएगा? इसकी अपनी क्लास में. There was a run method. इस run method में लिखा कुछ नहीं हुआ है. A new thread was started. Run method was invoked from that thread. But there was nothing in the run method. एक नया thread start हुआ, खत्म भी हो गया, हमें पता नहीं चला. हमारी problem क्या है? हम चाहते हैं कि ये इसका start method execute हो. That particular start method would allocate resources for a new thread. And whenever run method is invoked on this object, run method of this object shall get executed. अब ऐसा कैसे हो जाएगा? आप स्टार्ट को इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसका रन एग्जीक्यूट हो जाए. वो कब हो सकता है? जब ये दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटेड हो. ऑब्जेक्ट्स के बीच में, क्लासेस के बीच में दो तरह के रिलेशन होते हैं, इज एंड हैज ए. इज ए रिलेशन हम यहां पर देख चुके हैं. दिस इज दिस इंप्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन इज ए रिलेशन. योर क्लास एंड थर्ड क्लास are associated with the arc of is a relation. इसके एक limitation है. If your class is already part of a family, मान लीजिए ये मेरी class है user thread. अब ये किसी class को extend करती है पहले से A. I want the functionality of threading, so I cannot use this approach. Means मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं thread को भी extend कर दूँ. Yes, no, किया जा सकता है काम? Multi-threading, sorry, multiple inheritance Java में नहीं होती है. यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है एज ए रिलेशन का. व्हाट वी कैन डू इज दिस. इफ वी कैन प्रोवाइड द रेफरेंस ऑफ आर थ्रेड ऑब्जेक्ट टू द थ्रेड, देन व्हेनेवर वी वुड इन्वोक स्टार्ट मेथड ऑन इट, द स्टार्ट मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वुड एलोकेट द रिसोर्सेज. आफ्टर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, इट वुड लुक for the reference of runnable object. If a reference of runnable object is found, then run method on the runnable object shall be invoked. ये देखेगा इसके पास किसी दूसरे object का reference है या नहीं है. तो अगर reference होगा तो इसका run चलेगा, नहीं तो उसका अपना चलेगा. यहाँ पर हमें क्या करना होगा? दो objects को आपस में as a relation से जोड़ना होगा. तो यहाँ पर मैं change करता हूँ भी. At the time of creating the thread object, we would pass the reference of our own object to it. यहां से अब आपको देख रहा है both the objects are related. Object of thread class has the reference of our object. अब देखते हैं क्या होता है. User thread is started. दोनों थ्रेड चले. नोट करके लिखिएगा पहले. When direct implementation of runnable interface is provided, to execute the run method in a separate thread, a thread object need to be created and reference of runnable object need to be provided to the thread.
to the thread object. ये नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है।